हाउ आर यू। आज हम स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट लुकिंग अराउंड चैप्टर नंबर 10 समझेंगे। चैप्टर का नाम है अबाउट किचन, यानी हमारे किचन के बारे में कुछ यहाँ पे समझाया गया है। देखो पहले हम नीचे जो पिक्चर दिया है वो समझते हैं। इसमें पहला हमें कुकर दिखाई दे रहा है, फिर फायरिंग पैन, रोटी तवा, पॉट एंड कढ़ाई, ये सब हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अब आपको जो यहाँ पे डॉट दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे डॉट दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे आपको कलर कर देना है। देखो ऐसे आपको यहाँ पे कलर कर देना है। जहाँ जहाँ पे भी डॉट है वहाँ वहाँ आपको ऐसे कलर कर देना है। ऐसे सारे जहाँ पे डॉट्स है इस पिक्चर में वो सारे डॉट्स पे ऐसे कलर कर देना है। आपके चॉइस के जो कलर है वो आपको यहाँ पे कर दे। देखो यहाँ पे भी डॉट्स है तो यहाँ पे भी करूँगी, यहाँ पे डॉट्स है तो यहाँ पे भी, यहाँ पे ऐसे सारे जितने डॉट्स है वहाँ पे आपको ये कलर कर देना है। आगे देखते हैं, लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेस विथ हैव डॉट्स इन देम, व्हाट डू यू सी। आपको पिक्चर देखनी है और जहाँ पे भी डॉट्स है वहाँ पे कलर देखना है, और आपने वहाँ पे कौन कौन से बर्तन देखे वो आपको नीचे पेज दी गई है उसमें लिखना है। तो हमने तो पहले फायरिंग पैन देखा तो वो लिखा, फिर नॉन स्टिक, रोस्टिंग पॉट, रोस्टिंग पैन, फिर पॉट, सर्विंग स्पून, कुकर, मेस स्कीमर एंड टर्निंग स्पेचियर, यानी तावी था। तो ये सारे चीज़ हमने ऊपर पिक्चर में देखी तो यहाँ पे हमने लिख लिया। आगे देखते हैं, इन द पिक्चर यू मस्ट हैव फाउंड सम अनस्टील आर यूज्ड फॉर कुकिंग। आर देयर एनी अदर अनस्टील यूज्ड इन योर हाउस इन कुकिंग, व्हिच आर दे। आपने अभी ऊपर पिक्चर में बहुत सारे बर्तन देखे जो आपके घर में भी यूज़ होते होंगे। आपके घर में कौन कौन से बर्तन यूज़ होते हैं उसका लिस्ट आपको नीचे दी गई बॉक्स में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे रोस्टिंग तवा, मेस स्कीमर, टर्निंग स्पेचुअल, कुकर, नॉन स्टिक एंड डिश पैन, ये सारे लिखा है। आपको कुछ दूसरे नाम आते हो जो आपके हाउस के किचन में यूज़ होते हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर आगे है, व्हाट आर अनस्टील मेड ऑफ, ये जो बर्तन है वो किस चीज़ से बनते हैं। तो कॉपर, स्टील, आयरन, ग्लास, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, जो हम किचन में यूज़ करते हैं वो बर्तन सारे इन चीज़ों से बनते हैं। आगे है, आज सम एल्डर पीपल व्हाट काइंड अनस्टील वेयर यूज्ड अर्लियर, व्हाट बाय दे मेड ऑफ। आपके जो बड़े लोग हैं यानी हमारे दादा दादी, वो उसके ज़माने में कौन से बर्तन यूज़ करते थे वो आपको उसको पूछना है। तो वो लोग थे वो ब्रास के, माटी के बने हुए बर्तन यूज़ करते थे उसके ज़माने में, आप अपने दादा दादी से पूछ लेना। आगे है, थिंक एंड टेल, विच थिंग्स डू वी कुकिंग बिफोर ईटिंग, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम खाने से पहले कुक करते हैं। तो उसमें आएगा, खाने से पहले कुक किसको करते हैं, रोटी, भाखरी, रोटला, ये सब चीज़ें वो खाने से पहले हमको कुक करनी पड़ती है, फिर ही हम उसे खा पाते हैं। दूसरी चीज़ है, विच थिंग डू वी ईट रो, जो हम खाते हैं पर उसको कच्ची ही खाते हैं, पकाते नहीं है, तो उसमें कैरेट, रेडिश, एप्पल, टमाटो, ऑनियन, ये आ सकता है।
फिर वीच आर द थिंक वी ईट बोथ कुकिंग एंड रो। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम पकी हुई भी खा सकते हैं और कच्ची भी खा सकते हैं? तो उसमें ऑनियन, कैरेट, टोमाटोस, कैबेज ये सब आएगा। तो आपको नीचे उसका लिस्ट करना है। देखो उसमें फर्स्ट है थिंग दैट वी ईट रो, यानी कच्ची खाई जाए चीज़। तो मैंने वहाँ पे लिखा है कैरेट, रेडिस, एप्पल, टोमाटोस एंड ऑनियंस। फिर दूसरी है थिंग दैट आर ईट कुक्ड, खाने से पहले कुक किए जाने वाली दाल, राइस, रोटी, खिचड़ी एंड भाखरी। फिर तीसरी नंबर की है थिंक दैट आर ईट बिफोर रो एंड कुक, यानी कच्ची भी और पक्की भी दोनों भी खा सकते हैं। तो इसमें है ऑनियन, कैरेट, टमाटो, कैबेज एंड स्पेंच यानी पालक। तो ये सारी चीज़ें वो हम कच्ची भी खा सकते हैं और पकी हुई भी खा सकते हैं। आगे देखते हैव यू सीन ए चपाटी बीइंग मेड ऑफ किचन एनीवेयर एल्स, क्या आपने कभी किचन में चपाटी यानी रोटी को बनते हुए देखा है? यस, आप सबने देखा ही होगा। देर आर सो मैनी थिंग्स टू डू डन फॉर दिस, इस उसमें चपाटी बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ लेनी पड़ती है। टेकिंग आउट फ्लोरिन ऑन स्टील, पहले हमको एक कप बर्तन लेना है, उसमें आटा लेना है। नीडिंग ऑफ इनटू डो, फिर हमको उसको डो बनाना है यानी आटा गूंदना है। मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, फिर हमने जो आटा गूंदा है उसके छोटे बॉल बनाने हैं। बॉलिंग आउट ऑफ द बॉल्स, रोलिंग आउट द बॉल्स एंड द कुकिंग, फिर आपको जो बॉल बनाए हैं उसको रोलिंग यानी गोल गोल घुमाना है, फिर उसके बाद कुक करना है। आफ्टर सो मच एफर्ट द चपाटी रीच योर फेल्स, उसके बाद इतने प्रयासों के बाद आपकी प्लेट में चपाटी पहुंचती है। एफर्ट यानी प्रयास के बाद, एंड रीच यानी पहुंचती है, इतने प्रयासों के बाद आपकी प्लेट्स में चपाटी पहुंचती है। अगर आप किसी ने चपाटी बनते हुए नहीं देखा तो आप देख लेना। सी एंड राइट, गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड, व्हाट ऑल वॉज डन टू कुक इट, आपको अपने किचन में जाके कुछ ऑब्जर्वेशन करना है और कुछ चीज़ बनानी है, और आप क्या चीज़ बना रहे हो वो स्टेप आपको नीचे दिए गए बॉक्स में लिखना है। तो देखो मैंने यहाँ पे राइस लिखा है, राइस बनाएंगे हम। नेम ऑफ द आइटम, तो राइस और इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए? दो, एक चावल और पानी। तो उसमें फर्स्ट स्टेप है टेक ए बाउल ऑफ राइस एंड ग्रेन्स, पहले आपको एक बाउल में राइस लेना है। वॉश देम विथ प्लेन वाटर, उसको पानी से अच्छे से धो देना है। टेक अबाउट टू ग्लासेस ऑफ वाटर इन ए पेन, फिर आपको एक दूसरे पेन में दो ग्लास पानी लेना है। पुट राइस ग्रेन्स इन टू ए पेन, उसके बाद जो राइस है उसको उस पेन में डाल देना है। बॉइलिंग ऑन द स्टोव, फिर स्टोव ऑन करके उसको थोड़े से बॉइलिंग करने हैं, बॉइलिंग यानी उबालना है। कुक टिल राइस इज डन, उसके बाद हमारे जो राइस है वो कुक्ड हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दूसरी कोई रेसिपी के स्टेप आते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक्ड इन ए वेराइटी ऑफ वे, सम ए ब्लैक एंड सम ए फ्राइड, सम ऑफ रोस्टेड एंड सम आर स्टीम। तो ऐसी बहुत सारी हम वेराइटी बना सकते हैं, किसी बेक करी हुई, किसी को फ्राई यानी तली हुई, किसी को रोस्ट यानी पकाई हुई, और स्टीम यानी बाफी हुई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम अलग अलग तरह से कुक कर सकते हैं। आगे है थिंक एंड राइट, गिव बिलो ए डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग, कुकिंग करने की बहुत सारी मेथड होती है। राइट द नेम्स ऑफ टू थिंग्स कुक्ड बाई ईच ऑफ दिस मेथड, एड सम मोर मेथड ऑफ कुकिंग टू द लिस्ट एंड गिव एग्जाम्पल, आपको नीचे बॉक्स में बहुत सारी कुकिंग की मेथड दी गई है।
और उसके सामने आपको उसके दो दो नेम लिखने हैं और लास्ट में दो मेथड आपको अकेले लिखनी है। तो चलो हम क्या क्या मेथड दी गई है वो हम समझते हैं। तो फर्स्ट है रोस्टिंग। रोस्टिंग यानी शेका हुआ। तो स्वीट पोटैटो एंड कॉर्न रोटी, ये दोनों हम इसमें लिखेंगे। आगे है बॉइलिंग यानी उबला हुआ, तो पोटैटो एंड राइस। फ्राइंग यानी तला हुआ, तो पूरी एंड पकौड़ी। आगे है बेकिंग यानी पका हुआ, तो चपाती एंड केक। फिर है स्टीमिंग यानी बफा हुआ, इडली एंड ढोकला। सेलो फ्लाइंग यानी छिछरा तला हुआ, वेजिटेबल्स एंड पराठा। आपको यहाँ दूसरे नाम आते हो वो भी आप लिख सकते हैं। आगे है थिंक एंड राइट। विच फिल इन यूज टू कुक फूड इन योर हाउस, आप अपने घर में कौन फूड बनाने में कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं। ड्रॉ ए पिक्चर इन योर नोटबुक एंड राइट इट्स नेम, आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं खाना बनाने में, यानी गैस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक सगड़ी यूज़ करते हैं, तो उसका पिक्चर आपको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में और उसका नाम लिख देना है। आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। मैच ए पिक्चर विथ द लिस्ट, मैचिंग कैन बी विथ मोर देन वन थिंग ऑल्सो। आपको नीचे पिक्चर दिए गए हैं वो अच्छे से देख लेने हैं और कौन से नाम है उसके सामने आपको पिक्चर को मैच करना है। एक पिक्चर में दो नाम भी हो सकते हैं। चलो देखते हैं हम। पहले है केरोसिन ऑयल, तो केरोसिन ऑयल से हम ये वाला पिक्चर मैच करेंगे। फिर है कोल यानी कोलशा, तो इसको हम यहाँ पे। फिर आगे है इलेक्ट्रिसिटी, तो देखो यहाँ पे बोर्ड भी दिया है लास्ट पिक्चर में, तो वहाँ पे कर देंगे। फिर आगे है गैस, तो गैस आएगा लास्ट में। वुड, वुड यानी लकड़ी, लकड़ी से ये चूल्हा चलता है। आगे है सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश से ये सूर्य कुकर। फिर है क्लाउड केक यानी गोबर से बना हुआ। क्या है गोबर से बना हुआ, जो फर्स्ट वाला है ना, ये यहाँ पे ये है, वो गोबर से बना हुआ है। हमारे जो एल्डर लोग हैं, बड़े लोग, वो अपने ज़माने में गोबर से बने हुए चूल्हे का इस्तेमाल करते थे। आगे है रीड एंड राइट। सॉक वॉल मैंगो सीड्स ओवरनाइट इन ए वॉटर, आपको पहले रीड करना है उसके बाद आपको बनाना है। आपको मूंग दाल के बीज एक पूरी रात तक उसको पानी में भिगो के रखना है। इन द मॉर्निंग वेप द स्टॉक्स मूंग इन ए विथ क्लॉथ्स एंड कवर इट। फिर आपको मॉर्निंग में वो जो आपको बीज मूंग दाल के पानी में भिगोए थे उसको बाहर निकाल के एक अच्छे से क्लॉथ्स में उसको कवर कर देना है। टेक इट आउट आफ्टर ए डे, उसके बाद एक दिन जाने देना है, एक दिन के बाद। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, उसके बाद आपको उसमें कुछ डिफरेंट दिखाई दिया। यस, हमें उसमें डिफरेंट दिखाई देगा, वो अच्छे से पक गए होंगे, यानी हमें उसको बोइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे हमने बोइल किया है वैसे ही वो हो गए होंगे। उसके बाद उसमें एड स्लाइस ऑनियन टमेटो स्लॉस लेमन जूस इन द मैंगो मूंग एंड मिक्स। उसके बाद आपको उसमें मैंगो की स्लाइस, सॉरी टमाटो की स्लाइस, ऑनियन यानी डुगड़ी की स्लाइस, लेमन वाटर, नींबू का जूस और नमक, सारी आइटम उसमें ऐड करके रख देनी है। फिर उसको खानी है। शेयर इट विथ योर क्लासमेट, और आपको अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर करनी है। आगे है लुक एंड राइट, आपको देखना है और लिखना है। विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग, आप कुकिंग के बिना कौन सी आइटम बना सकते हैं जिसमें आपको कुकिंग नहीं करना पड़ता, उसको आपको गैस पे नहीं चलाना सकता, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी पे, नहीं तो सनलाइट पे। ऐसे ही पांच
5 and 10 मिनट्स में बन जाता है, ऐसी कोई चीज़ आपको आती है तो वो लिखनी है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है लेमन वाटर, उसमें है मिक्स शुगर वॉल, एड लेमन जूस स्ट्रीम एंड लेमन वाटर इज रेडी। पहले उसने शुगर को मिक्स किया पानी में, फिर लेमन जूस ऐड किया, फिर उसको अच्छे से तना दिया, फिर उसके बाद लेमन वाटर रेडी हो गया। ऐसे ही दूसरी चीज़ मैंने बनाई है फ्रूट डिश, तो उसमें पहले डिश वेरियस फ्रूट, आपको फ्रूट्स के छोटे कट के कर लेने हैं, फिर उसके बाद एड सॉल्ट शुगर एंड चाट मसाला, उसके बाद आपको उसमें चाट मसाला शुगर एंड सॉल्ट मिक्स करना है, मिक्स ऑल द थिंग्स वेल, उसके बाद अच्छे से उसको मिक्स कर देना है, द फ्रूट डिश इज रेडी। आगे मैंने लस्सी बनाई है, उसमें है टेक 1 कप कर्ड्स एंड शुगर इट, 1 बाउल दही लेना है और उसमें शुगर ऐड करनी है, एड स्मॉल आइस क्यूब, उसमें छोटा सा बर्फ का टुकड़ा भी ऐड करना है, बेंड इन मिक्सर, उसको मिक्सर में बेंड कर देना है, द लस्सी इज रेडी, और फिर बाद में लस्सी रेडी हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने किचन के बारे में कुछ समझा, उसमें कौन कौन से बर्तन यूज़ किए जाते हैं, वो बर्तन किस से बनते हैं, हमने यहाँ पे कुछ रेसिपी के स्टेप भी लिखे, कुछ रेसिपी बनाना भी सीखा। तो इस चैप्टर में हमने किचन के बारे में समझा, तो यहाँ पे ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।